अभी आ गए हम लोग टाउन हॉल लेवल 16 की आईडी में। आज हम लोग करने वाले भाई दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अपग्रेड, बोले तो इन क्लैश ऑफ क्लैंस ही ऑब्वियसली, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा कि हम लोग बिना रून ऑफ गोल्ड के उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे एकदम तिगड़म बिगड़म इगड़म चिड़म बिड़ा करके, मतलब भिड़ा करके। तो आप सबसे पहले दिखाता हूँ क्या करने वाले आज हम लोग। वैसे थंबनेल पे ये वाला हम लोग लगा ही देंगे, बट फिर भी देखो भैया बिल्डर हट अगर हम लोग मैक्स करने जाओ तो 20 मिलियन गोल्ड मांग रहा है 15 दिनों का अपग्रेड फॉर लेवल 6 है ना, और अपने पे 23 मिलियन का ही जगह है। तो वैसे मैंने भर करके रखा था, बट कुछ लुटेरे आते हैं लूट करके जाते, ज्यादा नहीं लूटा वैसे लुटेरे ने, है ना भाई ने, मतलब ठीक है ना। तो आप लगा देते पहले, उसके बाद हम लोग अटैक करने जाएंगे एंड उस हिसाब से हम लोग को एक और बिल्डर हट को लगाना है 20 मिलियन गोल्ड का। और ये जो वॉर है वो कल वाला ही चल रहा है, मतलब आज वाला ही चल रहा है, जो मतलब कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था वही वाला है ना। तो आओ फटाक से लगाते हैं 15 दिनों का अपग्रेड फॉर लेवल 6 इन 3 2 1। अब भो भैया एक नंबर। वैसे आप लोग ऐसा देख करके सोच रहे हो सन्नी भाई ये तुमने मारा, ये सोवन भाई मार रहे हैं, शायद उनके पास अभी हीरोज अपग्रेडेड, मतलब हीरोज अपग्रेड पे हैं इसलिए वो एक स्टार मार पाए, या फिर तीन के लिए गए होंगे, एक हो गया है ना। वैसे ऐसा करके आप लोगों को क्यूरियस मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा, ये तो आप लोग बोलोगे यार आधा दिखा करके क्यों ऐसा करते है, ऐसा था वैसे ना। 95% मारा भाई ने एक स्टार, मतलब थोड़ा सा चूक गया होंगे क्योंकि दो दो पॉइजन टावर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भाई हमेशा वो करते हैं, क्या बोलते उसे, रूट राइडर अटैक करते, तो शायद इस बार भी रूट राइडर अटैक कर रहे हैं। और रूट राइडर एंड वेलकेरी को भाई सुपर सेल ने इतना बार नर्फ कर दिया है कि ये अटैक अब उतना भयंकर काम नहीं कर रहा है। एंड भाई के पास सभी के सभी हीरोज है एंड सभी के इक्विपमेंट मैक्स, भाई कैसे कर रहे हो, है ना। मैंने भाई से पूछा था कि सारे के सारे इक्विपमेंट कैसे मैक्स कर रहे हो भाई इतनी जल्दी जल्दी, तो भाई ने बोला भाई सभी चीजों का मैं इक्विपमेंट के लिए माल मटेरियल ही ले लेता हूँ, मतलब बता रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ से भी, अच्छा हम लोग भी ले लेते हैं ना, यहाँ से भी सभी का यही सब लेते हैं जो मैंने लिया। एंड यहाँ पे जैसे अभी जो ये इवेंट आया है इसमें तो ये नहीं ना दे रहे ओर्स वगैरह, बाकी जिस भी इवेंट में ओर आते हैं तो भाई यहाँ से भी ओर लेते हैं। एंड अपने क्लैन पे पीयूष भाई भी, वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ से भाई एक बार तो उन्होंने मतलब ये इक्विपमेंट छोड़ करके सिर्फ ओर लिया था, क्योंकि इक्विपमेंट तो 1500 जेब से मिल जाते हैं लेकिन ओर्स नहीं मिलते, तो भाई ने वहां से इक्विपमेंट ही बोल दिया नहीं लेंगे हम लोग एंड ओर ले लिया, है ना। तो वही आज हम लोग करने वाले, तो फटाक से पहले आओ सबसे महंगा अपग्रेड तो करेंगे, बट उससे पहले देख लो भाई ये हो रहा है मैक्स, वो की है हीलर पपेट, मतलब जो की है हीलर पपेट। तो जाएगा ये अपग्रेड में तो इसमें क्या होगा, हीलर जो निकलती वो 8 लेवल की निकलेगी और हीरो का बूस्ट जो है जो 35 का पर सेकंड खुद को हील करेगी एंड एचपी जो है वो 71 से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आओ लगाते हैं 3 2 1। अब भो भैया मतलब देखो अपने पे कितने इक्विपमेंट मैक्स हो गए, एक हो गया ये इसका नाम क्या है जायंट ओरो मैक्स, हीलर पपेट मैक्स, ये इटर्नल टूम मैक्स और हीलिंग टूम मैक्स, और एक चीज मैक्स था क्या, तू उठ क्यों रहा भाई, ना भाई और कुछ मैक्स नहीं है, मतलब सही चल रहा है दया। और ये अपने पे 17,000 कैसे है साइनी और, ये ग्लोई और 100 कैसे है, इतना का डिफरेंस कैसे हो गया भाई। आई थिंक हगराडा को करना पड़ेगा ना, अच्छा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्लोई और लग रहा है इन सभी में, और इस पे भी ग्लोई और लग रहा है बस इस पे नहीं लग रहा, तो आई थिंक हम लोग इस पे लग रहा क्या, इस पे भी लग रहा भाई, मतलब फ्रोजन एरो पे, ये भी हम लोग यूज करने वाले है ना फ्यूचर में, तो इसे अपग्रेड करने पे क्या होगा, हेल्थ रिकवरी बढ़ेगी एंड एचपी इंक्रीज होगा, तो अभी हम लोग बचा करके रखते हैं साइनी और, क्योंकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को अपग्रेड करना है एंड ग्लोई और अब अपने को फटाफट से जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। वैसे यहाँ पे अभी स्टार बोनस 2x मिलने वाला है, तो इस पे अपने को मिलेगा ग्लोई और 60, है ना। तो आप फटाक से हम लोग फाइंड करते हैं एक बेस एंड 3 सितारा होटल लाने का ट्राई बिल्कुल नहीं रहेगा, बस लूट ज्यादा से ज्यादा गेन करने का मतलब अपना वो रहेगा, बता रहा हूँ क्या। और जैसे ही हम लोग अटैक पूरा करेंगे वैसे ही होम पे आकर के मैं एक और बात बता रहा हूँ कि अपने पास 3 बिल्डर खाली था बट अभी 2 ही आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि तीसरे को मैंने काम पे लगा दिया। और ये टाउन हॉल लेवल 14 अपने सामने क्यों आ रहा है, हम लोग टाउन हॉल लेवल 16 है ना। वैसे लूट इस पे अच्छी खासी थी, 7 लाख कोई खराब लूट नहीं है, वैसे अभी जिस हिसाब का देखो इस पे इतना कम लूट है ना, वैसे अभी जिस हिसाब का माहौल चल रहा है जैसे कि ढेर सारे लूट मिल रहे हर जगह, बाप रे बाप बोलते के साथ तो 7 लाख कम ही लग रहा होगा, है ना। रुको अभी अभी हम लोगों ने हीलर पपेट मैक्स किया है, 2 एयर डिफेंस में निकालने का देख रहा हूँ, है ना। वैसे दिख तो रहा है मेरे को लेकिन वो एंगल मैं पकड़ ना पाऊं शायद, रुको एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, यहाँ पे डालना पड़ेगा है ना क्वीन को, 1 2 3 4 5 6 ले भाई 2 एयर डिफेंस गया एंड क्वीन को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। और तीसरा एयर डिफेंस निकालने के लिए यहाँ पे पॉइजन टावर है ना, तो क्वीन को आई थिंक हम लोग अबे इससे स्विच करना है, इधर से डाल देते हैं, 1 बलून यहाँ पे डाल देते हैं एंड 1 नंबर बलून थोड़ा सा काम कर गया, तो इधर से हम लोग ऐसा करते हैं एंड ड्रैगन्स छोड़ते हैं। वैसे बलून अपने को पहले नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे पॉइजन टावर है, तो सारे के सारे बलून मर जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, ले भाई तू ले ले अपना। एंड क्वीन तू टिकियो भाई है ना थोड़ा सा, रुक जाओ
यहाँ पे ऐसा करते हम लोग एंड एक रेज डाल देते हैं। भाई तुम लोग बलून उधर क्लोन हो ना भाई, अरे इधर ही आ गए भाई। कल से जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूँ ना, तब तब क्लोन नहीं हो रही। यहाँ पे हम लोग इसे फ्रीज कर देते हैं एंड एक यहाँ से क्लोन हो ही नहीं रहे। अगर क्लोन हो जाता ना तो ये वाला बेस 3 सितारा होटल होता, क्योंकि इधर क्लोन होकर के बलून जाते 1, 2, 3 मल्टी इन्फर्नो होता, ऐसे खा जाते ये लोग जैसे मेरे पीछे वो। चल भाई तू फ्रीज हो जा। वैसे मैंने पिछली 2 वीडियो जो डाली टाउन हॉल लेवल 16 की है ना, दोनों पे मैं ये बताने का ट्राई कर रहा था कि भाई देखो ये क्या बोलते इसे डिफेंसेस अपग्रेड पे होते हुए भी मार रहे हैं, और दोनों पे मैंने वीडियो का रेफरेंस दिया। लेकिन दोनों पे ये बताते हुए मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि लाइव में भी डिफेंसेस मार रहे थे। मतलब मैं ये बता रहा था कि डिफेंसेस मारते हैं और मैं दिखा रहा था किसी और वीडियो को, मतलब अपनी ही पुरानी वीडियो को, मतलब जो मैंने डाला था, बट लाइव में ही मार रहे थे। अगर ये टूट जाते तो अपने ड्रैगन शायद बच जाते हैं। भाई भों हो गया है ना, मैं अब बहाना भी नहीं मार सकता कि अपने पे किंग एंड आरसी नहीं थी इसलिए 3 सितारा होटल नहीं हुआ। स्पेल प्लेसमेंट ही गड़बड़ हो गई भाई, है ना। ओके आ जाओ, इस बार हम लोग सही से करने का ट्राई करेंगे, बट अपने पे एक ही बिल्डर कैसे है खाली भाई। ओ अच्छा, एक हम लोगों ने अभी लगा दिया भाई, इतना बेवकूफ मैं। ओके और एक हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया था, तो इसे अभी उठाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसे अगर हम लोग अभी उठाएंगे तो आरसी को दोबारा हम लोग काम नहीं दे सकते, तो इसे अब हम लोग नहीं उठाते। वैसे डार्क एलिक्सर की बहुत ज्यादा भरमार है। यहाँ पे भी हम लोगों ने अंदर फिनिक्स को लगा दिया, इसे भी लगा दिया, इसे भी लगा दिया, एंड कल किंग उठेगा तो हम लोग फिर से उसे लगा देंगे ना। इस वाले अटैक का थोड़ा सा दुख रहेगा क्योंकि भाई अच्छा लूट था, हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया सही से। मतलब क्वीन की ये जो एबिलिटी थी वो तो एकदम शानदार दी हम लोगों ने, है ना। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे देखने दो, है ना। ये एबिलिटी बहुत शानदार दी हम लोगों ने, लेकिन इधर से ये पॉइजन टावर मैंने शायद ध्यान ही नहीं दिया, तो बलून मैंने फर्स्ट में छोड़ दिया, तो पॉइजन टावर का रेंज ज़्यादा था और ये विजर टावर भी था और ये स्कैटर भी था, तो इन लोगों ने मिलकर के अपने बलून को ऐसे खाया जैसे क्या ही तो बोलूं। रुको ना, ज़्यादा बलून थे भी नहीं, ठीक है जितना भी था, है ना। पॉइजन टावर एंड ब्लिम्प, फिर एबिलिटी, चलो ये भी एबिलिटी में आ गए सही है। फिर यहां से हम लोगों ने 2 क्लोन स्पेल दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आगे दे दिया। अबे ज़्यादा आगे नहीं दिया था भाई, या तो क्लोन का रेंज बढ़ाओ भाई सुपर सेल वालों, या तो तुम लोग उसे इतना देर तक टिकाओ कि दूसरे ट्रूप्स वहां तक पहुंचे तब तक क्लोन हो जाए। कितना क्लोन स्पेल का वो रहता है भाई, ड्यूरेशन नहीं दिखाते हैं ना शायद ये लोग यहाँ पे, आई थिंक ड्यूरेशन नहीं दिखाते। क्लोन कैपेसिटी बस हाउसिंग स्पेस, यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाना चाहिए कि कितना देर तक ये टिकता है। जैसे देखो जंप स्पेल का ड्यूरेशन है 80 सेकंड्स का, 80 सेकंड तक वो वहीं रहेगा, अब उस पर कोई भी कूद करके जाए। वैसे इसका भी दिखाना चाहिए, एंड स्केलेटन स्पेल का भी ड्यूरेशन ये लोग नहीं दिखाते हैं, बस दिखाते हैं 18 स्केलेटन निकलेगा, कितनी देर में निकलेगा नो एक्सप्लेनेशन। कोई बात नहीं, आ जाओ अब हम लोग करते हैं एक वॉल को अपग्रेड एंड उसके बाद चलते हैं अटैक करने, क्योंकि वही रहेगा सही डायरेक्शन जाने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ओके तो रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने डाल दिया, कोई ना कोई बलून दे ही देगा, तो आओ तब तक हम लोग क्लेम करते हैं इन सभी चीजों को। ओके गोल्ड यहाँ पे है ना, इसी के भरोसे पे तो मैं उड़ रहा था। अभी देखो इतना गोल्ड अपने पे आया एंड तिजोरी में है अपने पे 4 यानी कि 5 मिलियन, फिर भी नहीं होगा भाई। 5 और 13 कितना होता है, 13, 5, 18, 19, 20, भाई कैसे मैं जुगाड़ कर रहा था, लेकिन हो जाएगा मुझे लग रहा, हो जाएगा, है ना। ओके तो अभी अभी देवांश भाई ने मुझे दिया, वो भी जब मैंने बोला कि भाई कोई दो भाई जल्दी, है ना, उस ऊपर से स्पेल अभी भी नहीं मिला। भाई क्या कर रहा हूँ यार, मैं बोल कर क्या होता हूँ कि हाँ भाई देना अभी ठीक है रेडी रहना, फिर भी नहीं दे रहे। यानी कि आप लोग सोच रहे हो भाई कैसा क्लैन है भाई, इस क्लैन में जाऊं या ना जाऊं, ऐसा आप लोग सोच रहे होगे, लेकिन क्लैन बहुत टनाटन है। बस मेरे साथ ही मस्ती करते हैं लोग, आप लोग आ सकते हो ना, आप लोगों को मजा आएगा, तो आ जाओ। वैसे एक भाई सेकंड क्लैन पे अपने आए थे, तो उस पे अभी जैसे सेकंड क्लैन इसलिए है ना कि आप लोग उस पे आओ, थोड़ा इंगेज रहो एंड फिर इस पे आओ जब स्पेस बन जाए, क्योंकि अभी इस पे जगह है 50 out of 50 भरे हुए हैं। तो आप फाइंड करते एक बेस एंड इसी के आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग 20 मिलियन गोल्ड का जुगाड़ करेंगे, क्योंकि अपने पर 20 मिलियन चाहिए एक और बिल्डर हॉल को, मतलब बिल्डर हट को मैक्स करने के लिए। और इस बार कुछ ऐसा बेस ना भाई जिस पे हम लोग 3 सितारा मार सके, है ना, और लूट भी अच्छा दो भाई, 3 लाख लूटे अब हम लोग। टाउन हॉल लेवल 7 पे 3 लाख मिल रहा है, या 6 में भी मिलता होगा, है ना, फिर से 3 लाख। ओके रुको इसे हम लोग मारेंगे। बाय द वे आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग हाइब्रिड की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, है ना। रुक जाओ इस पे अपने को फिर से एंगल भिड़ा करके 2 एयर डिफेंस उड़ाने हैं, एंड मैं थोड़ा सा एयर डिफेंस उड़ाने के लिए एंगल देख रहा हूं। आई थिंक इस एंगल से अगर मारे तो ये उड़ जाएगा एंड ये सेकंड वाला नहीं उड़ेगा मुझे जहां तक लग रहा है ना। आ फिर भी ट्राई लेकर के देखते हैं ना। अरे कैसे नहीं उड़ेगा भाई, कैसे नहीं उड़ेगा, हम लोगों ने एंगल बिठाया है, कैसे नहीं उड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं उड़ता ना तो मैं यहां से मारता इसे एंड इधर एक एयर डिफेंस मैंने देखा था, अच्छा हाँ यहां पे इसे, तब उड़ जाता पक्का, है ना।
ओके तो आ जाओ, क्वीन को हम लोग डाल देते हैं बिना किसी देरी के। इतना देर हम लोगों ने कर दिया बोलते हुए और बोल रहा बिना किसी देरी। अबे इतना नज़दीक क्यों डाल देते हैं भाई, हम लोग की हीलर को ही मारने लग जाता है ये। वैसे हम लोग हीरो को हीलो ने हीलर को बचाएंगे नहीं है ना, क्योंकि हीलर को बचाने के चक्कर में हम लोग एक स्पेल अपना नहीं गंवाना चाहते हैं, अपने पे किंग विंग है नहीं। तो इधर पर डालते ये एंड बलून इस बार सबसे ज़्यादा लास्ट पे डालेंगे हम लोग, क्योंकि बलून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले डालते वार्डन एंड बलून डालते अब, एंड अब जाएगा ब्लिंप, इसे हम लोग फ्रीज करेंगे है ना फुकनी को। रुक जाओ एक सेकंड, तू जा भाई ऐसा, एंड फुकनी को आई डोंट थिंक कि वो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अबे अब तो क्लोन हो ले भाई, चलो ठीक है है ना ये। अरे भाई कहाँ एक बार में कहाँ ये लोग खत्म हो जाते, मैंने फ्रीज डाला वो बिल्कुल बेकार चला गया एक हिसाब से। बट तीन सितारा फिर भी आ जाएगा, यहाँ पे एक मल्टी भी है और यहीं पे। अच्छा तुम भाई बिजी हो, पहले स्केलेटन पे बिजी हो, ये भी तीन नहीं आएगा भाई। क्वीन वीन सब अपनी मर चुकी है, दिमाग खराब टाइप से लग रहा है। मैं तो कहता हूँ झाड़ी वाड़ी में छुप जाते हम लोग, क्योंकि तीन सितारा अपने सामने रहा। तो यहाँ पे फ्रीज करते, रेज अपने पे है नहीं और एक और फ्रीज है, तो उससे हम लोग एक बार और कर देते हैं। वैसे थोड़ा सा और अपने को रुकना चाहिए था। चलो ब्लैक माइन तो खत्म, टाटा बाय बाय, मतलब ब्लैक माइन ने अपने ड्रैगन को मारा बहुत गंदी तरीके से। तो तीन सितारा होटल इसमें भी नहीं है, क्या हो रहा है। किंग अगर होता तो वो इतना पोर्शन निकाल देता है, एनआरसी होती तो वो इतना पोर्शन निकाल देती है ना। लेकिन भाई किंग एनआरसी से इतना ज्यादा नहीं खलना चाहिए था अपने को है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मानो या ना मानो ना, तो किंग एंड आरसी मिलकर के ना लगभग 30% बेस निकाल देते हैं, और क्वीन अगर हो तो खतरनाक, जो कि अपने पे है। बट फिर भी हम लोग मच्छर की तरह मसले जा रहे हैं। अच्छा उससे पहले कट, वाह 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 वाह, उससे पहले हम लोग 100 पता नहीं कैसे मार लेते हैं, और जैसे ही हम लोग आते हैं वैसे ही भूं हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ में नहीं मार पाए हम लोग है ना। तो आओ अब हम लोग लगाने का ट्राई करते हैं इस वाले बिल्डर हट को। वैसे आप लोग ये मत समझना कि अच्छा ये किस तरह का अटैक था भाई, ये भाई सिर्फ वेलकेरी लेकर के आ गए बिना क्वीन के। ये क्या तोड़ रहे भाई, क्या था यहाँ पे अपना ईगल था क्या इतना डाला ना भाई ने, शायद 11 के 11 स्पेल डाल दिए ना और ईगल ही मार दिया। फिर भी कोई फायदा होगा नहीं। अच्छा 27 का किंग, 27 का तो टाउन हॉल 9 पे भी नहीं होता भाई, 30 का होता टाउन हॉल 9 पे। भाई इतना गंदा कैसे कर रहा, मतलब इतना रस करके ये भाई पक्का बहुत भयंकर रस करके आए होंगे है ना। एक बार देखने दो, हाँ 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 बहुत भयंकर रस है भाई, बहुत भयंकर रस है ना। मतलब दिख रहा है ये टाउन हॉल लेवल 13 का ही है, टाउन हॉल लेवल 13 का, हाँ 13 का ही है, दो लेवल उसी में जाता है। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग भी रस करके आए थे, बट हम लोग धीरे धीरे फिक्स कर रहे हैं। तो आ जाओ, अपने को जुगाड़ करना है सबसे पहले तो 20 मिलियन गोल्ड का, जो कि हो जाएगा अब 19 मिलियन ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ गोल्ड पास से निकाल लेते हैं, जो कि हम लोगों ने गोल्ड पास लिया नहीं है यहाँ से। अच्छा बुक ऑफ हीरो हम लोग नहीं ले सकते, बुक ऑफ हीरो का अपने को प्लान करना पड़ेगा, मैं प्लान करके फट से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलो हो गया बिल्डर, अच्छा बिल्डर वाला जुगाड़ नहीं होगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ बिल्डर पे क्या चल रहा है ना। बिल्डर हाउस भी, मतलब बिल्डर हॉल भी कुछ लोग देखना चाहते हैं भाई, कितना अच्छी से क्लेम करने को, मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया क्या, नहीं। ओके आ जाओ दिखाता हूँ आप लोगों को बिल्डर हॉल। तो देखो बिल्डर हॉल में बहुत भयंकर टाइप से प्रोग्रेस चल रहा है अपना, सभी कुछ लगभग लगभग मैक्स होने ही वाला है। एंड रिसर्च पे हम लोग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अपने को लगाना है इसे मैक्स करना है ना। देखो ये 35 तक जाता है, 33 का है, 34 के लिए लगा हुआ है, एंड 35 का हम लोग लगा देंगे कल। तो कल फटाक से जैसे ही उठेगा वैसे ही लगा देंगे है ना। कल कोई बिल्डर खाली हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है शायद, दो बिल्डर खाली हो रहे हैं, एक नंबर। तो आप लगाते हैं बिल्डर हॉल को, मतलब बिल्डर हट को, बिल्डर हॉल बिल्डर हट, आई एम कंफ्यूज। तो आप सबसे पहले तो करते हैं एलिक्सर से दो को अपग्रेड, एक दो है ना, सही है। अब हम लोग लगाते फटा, अबे दो यहाँ से, अब क्या बोल रहा है लेने के लिए। अच्छा एक तो ये है बुक ऑफ हीरो और एक बिल्डर, अच्छा ठीक है। बिल्डर गोल्ड अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरह से भरा हुआ है ना, मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया। एक नंबर ये खाली होगा, वैसे ही हम लोग लगा देंगे कुछ कुछ चीजों को। तो आ जाओ फटाक से लगाते हम लोग एकदम भयंकर टाइप से बिल्डर हट को मैक्स करने के लिए 20 मिलियन गोल्ड का इन 3-2-1। अब भो भैया 15 दिनों का अपग्रेड भाई, दो बिल्डर अपने 15 दिनों के लिए चले गए, समझ लो 15 दिन यहाँ होते हैं। ओके तो देखो ये जो है ये मैक्स होने का कितना लेती है मुझे नहीं पता है, डार्क एलिक्सर का जुगाड़ अभी हो भी नहीं सकता है ना। वैसे मुझे लगता है ये 3 लाख के पार ही लगी, इसलिए मैं इस पे बुक ऑफ हीरो यूज नहीं करने वाला, जैसा कि हम लोग से कल गलती हो गई थी कि बुक ऑफ हीरो हम लोगों ने क्वीन पे यूज कर दिया था, जबकि क्वीन को अपग्रेड होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज वाला मतलब ये वीडियो अटैक के रिगार्डिंग नहीं था, तो कोई भी अटैक को लेकर का मजाक नहीं उड़ाएगा, वैसे आप लोग उड़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो जैसे ही हम लोगों का वो हो जाएगा मैक्स, मतलब मैक्स नहीं
कि ये दोनों हीरोज जब उठेंगे तब हम लोग 3 सितारा होटल करने का ट्राई करेंगे। वैसे मेरे पास ये वाला मैजिक आइटम है, मैजिक स्नैक, तो इस वाले मैजिक स्नैक का बुराई मैं आप लोग को एक बता रहा है ना, इसे जैसे हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग 20 अटैक्स तक, रुक जाओ एक बार देखने, 10 अटैक्स तक 20 मिनट का बूस्ट लग जाता है ना, मतलब 20 मिनट तक बूस्ट रहेगा लेकिन उस बीच हम लोग 10 ही अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अटैक करके गेम क्लोज करके फिर से अटैक करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अटैक कर सकते हो ना आप लोग 20 मिनट में, लगभग आई थिंक 40 अटैक कर सकते हो अगर आधा आधा मिनट का भी अटैक लेकर के चलो तो, है ना, मतलब 30 सेकंड्स का। तो इसलिए इन लोगों ने 10 अटैक्स तक ही इसको सीमित कर दिया, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है ना कि फिर क्लैन कैसल का ट्रूप कहां से लाओ, तो जिम लगा करके मांगते जाए क्या, या फिर यहां से इससे यूज करना पड़ेगा, है ना, क्या नाम इसका, रेड मेडल यूज करना पड़ेगा, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ना इसके साथ ये जो बैटल केक, क्या नाम था उसका, कैसल केक, वो भी देना चाहिए, है ना, कैसल केक रहता तो हम लोग फटाक से उससे भी रिइंफोर्स ले सकते हैं, तो बहुत मजा आ जाता है दोनों अगर एक साथ होते तो। बट ये इस हिसाब से है ना कि आप लोग इससे डोनेशन पूरा कर सकते हो, एंड अगर वॉर स्टार्ट होने वाला तो ये वाला फटाक से लगाओ, पूरा का पूरा क्लैन का एकदम क्लैन कैसल भर दो, बोले तो सीसी, है ना। तो आज वाला अटैक बहुत ही भयंकर तो नहीं गया, लेकिन अपडेट बहुत भयंकर चल रहा है, तो कल वाला वीडियो आते आते मतलब शायद हम लोग इसे नहीं कर पाएंगे, है ना, या फिर 1, 2, 3, या फिर कर भी सकते हैं ना, कल वाले वीडियो पे ही शून्य को, बोले तो 0 को लिख देंगे एंड मजा आ जाएगा। तो आओ सेट कर लेते हैं हम लोग इस वाले बेस पे, एंड आज वाली वीडियो करते हैं बस यहीं तक। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, एंड भैया चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड भैया गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।